हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टू कॉलम कैश वर्क। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो कंसेप्ट समझेंगे कि भैया टू कॉलम कैश बुक होता कैसे है, उसका फॉर्मेट देखेंगे और फिर एक न्यूमेरिकल के साथ में, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस न्यूमेरिकल के साथ में हम देखेंगे कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए तो फिर ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए सीधे चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। दोस्तों, टू कॉलम कैश बुक जो है, जो आपकी आपकी स्क्रीन पर आपको फॉर्मेट दिख रहा है इस चीज़ का, अगर इस फॉर्मेट को आप देखते हो तो ये बहुत आसान है। अगर आपको कोई सिंपल कैश बुक आता है तो आपको ये कैश बुक तो आता ही आता है, ऐसे समझिएगा। सिर्फ सिंपल लॉजिक है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उस लॉजिक को आप क्लियर कर लो तो ये कैश बुक बनाना कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है। इस फॉर्मेट को हम पहले समझते हैं दोस्तों। इसके दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट में होती है आपकी डेबिट साइड और राइट में होती है आपकी क्रेडिट साइड। बिल्कुल दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स हैं। लेफ्ट में आपके आपको दिखेगा डेट, रिसीट्स, जो भी इनकम्स है, इनफ्लो है, रिसीट साइड में है। रिसीट नंबर यूजुअली हम इसे ब्लैंक रखते हैं। लेजर फोलियो, हाँ इस केस में आपको इस लेजर फोलियो का काम पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले आपने जब भी देखा होगा हम इन लेजर फोलियोज को ब्लैंक रखते हैं, लेकिन आज आपको इसका काम पड़ने वाला है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर जो भी कैश ट्रांजैक्शंस है उसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं, जो भी बैंक ट्रांजैक्शंस है उसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। हो गई आपकी डेबिट साइड कंप्लीट। इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी अगर आप देखोगे तो आपकी डेट है, यहाँ पे पेमेंट्स है, जैसे डेबिट में रिसीट्स था, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स है। यहाँ पे रिसीट नंबर था, यहाँ पे वाउचर नंबर है। यूजुअली ये भी ब्लैंक रहता है क्योंकि एग्जाम्स में आपको रिसीट नंबर और वाउचर नंबर नहीं दिया जाता। उसके साथ में आपके पास है लेजर फोलियो, जैसा मैंने कहा था इसका हम आज यूज करने वाले हैं। अगर कैश में आपके पास कोई अमाउंट है तो वो अमाउंट इस कॉलम में लिखेंगे, अगर बैंक से रिलेटेड कोई अमाउंट है तो वो इस कॉलम में लिखेंगे। दोस्तों, कौन से ट्रांजैक्शन को कैश के कॉलम में लिखना है और कौन से ट्रांजैक्शन को बैंक के कॉलम में लिखना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए, ये बहुत सिंपल है। अभी एक मिनट के बाद आप खुद मुझे बताओगे कि सर ये तो इतना आसान काम था, चलिए देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों, ये करने के लिए आपको सिर्फ दो रूल्स याद रखने हैं। कौन से दो रूल्स हैं दोस्तों? ये वही दो रूल्स हैं जो आपको पहले से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है रियल अकाउंट के रूल्स और पर्सनल अकाउंट के रूल्स। रियल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना आसान है। और पर्सनल अकाउंट के रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये तो आपको पहले से आता है, लेकिन इसी का इस्तेमाल करके हम करने वाले हैं आपका डबल कॉलम या टू कॉलम कैश बुक। कैसे? एक सीधी बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी ट्रांजैक्शन से आपको जो ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं, अगर उनके कारण कैश में इंपैक्ट होता है, यानी कैश आती है या कैश जाती है, कैश कम्स इन और कैश गोज आउट, तो आपने कैश कॉलम में एंट्री करना है। और अगर बैंक को पैसा प्राप्त होता है, यानी इफ बैंक रिसीव्स द अमाउंट और बैंक गिव्स द अमाउंट, तो वो बैंक अकाउंट में आपको एंट्री करना है। बिल्कुल सही, अगर कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो जाते हैं कैश कॉलम में, अगर बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो जाते हैं बैंक कॉलम में। क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है तो इसलिए उसके उसके लिए पर्सनल अकाउंट के रूल्स लगते हैं, और कैश रियल अकाउंट है, एसेट है, तो इसके लिए आपको रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे दोस्तों यहाँ पर। चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं एक सिंपल से न्यूमेरिकल के साथ में, कैसे किया जाता है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, टू कॉलम कैश बुक आपको बनाना है, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक। कोई इसे टू कॉलम कैश बुक या कोई इसे डबल कॉलम कैश बुक भी बोलता है, तो कंफ्यूज मत होइए, टू कॉलम है या डबल है, ये एक ही चीज़ होती है। अब इसमें हमें ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं 2023 जनवरी मंथ के ट्रांजेक्शन हमारे पास है। 1 जनवरी को दिया है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000 रुपीज, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000 रुपीज। और इसी तरह से और भी है, हम एक एक ट्रांजैक्शन को समझते हुए आगे चलेंगे और देखते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री किस तरह से की जाती है। सबसे पहले समझते हैं पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपए लेकर, 60,000 रुपए लेकर बिजनेस शुरू किया गया है। अब बताइए दोस्तों, ये क्या है आपका बिजनेस शुरू करने वाली अमाउंट? आपकी कैपिटल होती है। अच्छा, पैसा आपको बैंक में मिला या कैश में मिला? यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी बात, कैश में मिला है। तो कैश ट्रांजेक्शन हम कहाँ लिखेंगे दोस्तों? कैश का रूल लगाइए, कैश। अच्छा, कैश इसमें से आपको प्राप्त हुई है, बाहर जा रही है,
कैश तो प्राप्त हुई है, तो अगर कैश प्राप्त होती है तो रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल। तो कैश कम्स इन, इसलिए यहां पर हम इसे करेंगे डेबिट एंट्री, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश कम्स इन, डेट यहां पे लिख दिया 1 जनवरी टू कैपिटल अकाउंट। दोस्तों कैश आ रही है तो हमने कैपिटल क्यों लिखा, याद रखिएगा भले ये कैश ट्रांजैक्शन हो या बैंक ट्रांजैक्शन हो, हमें उसके ऑपोजिट नाम से ही एंट्री करनी होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आपके कैश के अगेंस्ट आपको कैपिटल प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे क्योंकि ये अकाउंट एक कैश बुक ही तो है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहीं भी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसके ऑपोजिट एंट्री जो होती है, जैसे कैश क्यों प्राप्त हुई, कैपिटल के कारण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और साथ में अच्छा कैश मिली है इसलिए कैश अकाउंट में, कैश के कॉलम में 60,000 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे। हो गया दोस्तों, कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री खत्म हो गई। जी हाँ, इतना आसान है। अगर आपको जर्नल के एंट्रीज आती है और जर्नल के रूल्स पता है तो ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। ये हो गया आपका पहला ट्रांजेक्शन, चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगले ट्रांजेक्शन में है दोस्तों 4 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ICICI, HDFC, कोई भी बैंक होने दो, उससे हमें नाम से फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा गया है, बैंक में गया है। दोस्तों ये एक विशेष तरह का ट्रांजेक्शन है, थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए स्पेशल ध्यान इस पर दीजिएगा। दोस्तों क्या हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश किसके पास थी, आपके बिजनेस के पास। बैंक अकाउंट किसका है, आप ही के बिजनेस का है, यानी आप ही ने अपनी कैश अपने ही बैंक अकाउंट में डाल दी। यानी ये क्या हो गया, इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया, आपके बिजनेस के अंदर का ही ये ट्रांजैक्शन है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, दीज ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस को कैसे एंट्री करना है, बिल्कुल आसान है, रूल वही रहेगा दोस्तों। ट्रांजैक्शन किसी भी तरह का आ जाए, आपको पता हो ना हो कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, आपका रूल चेंज नहीं होने वाला, आपका मेथड चेंज नहीं होने वाला है, आपने इसी तरह से इसकी एंट्री करनी है। क्या करेंगे आप बताइए दोस्तों। अब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश अंदर आ रही है बाहर जा रही है, कैश तो आपके बिजनेस से बाहर जा रही है, भले वो बैंक में जा रही हो लेकिन कैश बाहर जा रही है। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इफ कैश इज गोइंग आउट तो कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट एंट्री होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, हम डेट डालेंगे, और उसी के साथ में बैंक अकाउंट का एंट्री कहां पे होगा, अब बैंक इज द रिसीवर, कैश अकाउंट की एंट्री होगी क्रेडिट में, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन बैंक तो एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इस केस में बैंक को पैसा मिल रहा है तो बैंक इज द रिसीवर, अगर बैंक रिसीवर है तो उसकी डेबिट एंट्री होगी। तो इसलिए हम डेबिट साइड में डेट लिखेंगे, देखिए 4th डेट लिख दिया, कहां से आ रहा है पैसा, टू कैश अकाउंट, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट के कारण, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिट की इसलिए टू कैश अकाउंट, और अमाउंट डाल दीजिए। एक चीज याद रखिएगा, यहां पर अमाउंट आपके बैंक कॉलम में आई है क्योंकि बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो याद रखना ये किसका ट्रांजैक्शन है, अगर कैश है तो कैश कॉलम में एंट्री आएगी, अगर बैंक है तो बैंक कॉलम में एंट्री आनी है, और कुछ नहीं दोस्तों। अच्छा, इसके ऑपोजिट एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट में होने वाली है, लेकिन किसके कारण हुआ, कैश आपको क्यों प्राप्त हुई है दोस्तों, बिकॉज अच्छा डेट आएगा वही चीज 4th, टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड, क्योंकि आपको कैश प्राप्त हुई है तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड, और अमाउंट आ जाएगी, लेकिन अब ये अमाउंट आ गई कैश अकाउंट में। दोस्तों देखो क्या चीज हुआ, यहां पर अमाउंट आई आपके बैंक में क्योंकि बैंक में पैसा जमा हुआ था, और यहां पे कैश बाहर गई थी, इसलिए ये ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आएगा आपके कैश कॉलम में। तो यहां पे बैंक अकाउंट और यहां पे कैश अकाउंट, दोस्तों दो अलग कॉलम्स में सेम एंट्री हुई है, इसीलिए इन एंट्रीज को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज या कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। तो इसीलिए व्हाट वी डू, हम इसको कॉन्ट्रा है ये याद रखने के लिए या एग्जाम में दिखाने के लिए एग्जामिनर को, हम यहाँ पे एक छोटा सा सी, देखा आपने यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है, हाँ ये छोटा सा सी हम यहाँ पे लिख देते हैं लेजर फोलियो के अंडर, दोनों साइड में, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, दोनों साइड में हम ये सी लिखेंगे। इस सी का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्रीज, ये बस सी लिख देना है और आपका काम खत्म हो गया। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, हम बहुत धीरे धीरे शांति से इसको समझ रहे हैं,
कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ जाता है। तो 4 जनवरी का ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 25,000, इसकी हमने दोनों तरह से एंट्रीज कर दी है। अगर आप देखोगे पहले ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक एंट्री थी, लेकिन दूसरे ट्रांजैक्शंस के लिए हमको 2 एंट्रीज लगी, इसलिए इसे कहते हैं कॉन्ट्रा। चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब थोड़ा आप ही मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। ओके, 6 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, 6 जनवरी कैश परचेजेस 6,000। अब सीधी बात है, इससे सिंपल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। बता रहा है कि परचेज हुआ है और कैश में हुआ है, तो कैश का रूल लगाओ। अब परचेज किया तो कैश आपको मिली है या बाहर गई है। व्हेन यू परचेज कैश गोज आउट, व्हेन यू बाय तो कैश तो बाहर जाएगा, कुछ चीज अंदर आई है तो कैश बाहर जाएगी। और रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट तो आ जाएगा क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री आएगा किस नाम, किस डेट का था, 6, तो क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 6। बाय परचेजेस अकाउंट, अब ये क्या है दोस्तों, परचेज हुआ है तो यहाँ पे बाय परचेजेस अकाउंट आ जाएगा आपका। और किस लिए ये है परचेजेस, 6,000 रुपीज के परचेज है, तो ये हो गया बाय परचेजेस अकाउंट। 6 तारीख का एंट्री आपका आ गया है दोस्तों, इतना सिंपल है, हो गया। और ये कैश था इसलिए हमने कैश कॉलम में इसको लिखा है बाय परचेजेस अकाउंट बीइंग कैश परचेजेस, सिंपल। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है दोस्तों 10 जनवरी का, परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 22,000। अच्छा, इसमें क्या कहीं पे लिखा है कि भाई कैश ट्रांजेक्शन है या बैंक ट्रांजेक्शन है, नहीं लिखा है दोस्तों। लेकिन देर इज एन अंडरलाइंग अजम्पशन, जब कभी कोई अकाउंट मेंशन नहीं किया गया है, व्हेन वी डोंट नो दैट व्हाट इज द अकाउंट दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ओवर हियर, वेदर इट इज अ बैंक और अ कैश ट्रांजेक्शन, सो व्हाट वी विल डू इज विल अज्यूम इट एज अ कैश ट्रांजेक्शन। जब मेंशन नहीं है बैंक है तो इसको सीधा कैश ट्रांजेक्शन अज्यूम करेंगे। एंड बिकॉज इट इज परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, परचेज है तो कैश आपको मिलती थोड़ी ना है, कैश तो बाहर जाएगी, तो इसीलिए परचेज है तो और कैश बाहर जा रही है, तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट, तो इसीलिए डेट लिखिए बाय कंप्यूटर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नरेशन बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड, आपने कंप्यूटर खरीदा है इसलिए बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड बाय कंप्यूटर अकाउंट एंट्री आ गई है, और अमाउंट लिख दीजिए कैश कॉलम में, हो गया आपका 10th जनवरी का परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ट्रांजेक्शन कंप्लीट, फैंटास्टिक। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, 15 जनवरी का है, सोल्ड गुड्स। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंट्री है। सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक। दोस्तों चेक दो तरह के होते हैं, एक तो क्रॉस्ड चेक होता है और एक होता है बेरर चेक। क्रॉस्ड चेक का मतलब होता है कि जिसके में लेफ्ट कॉर्नर में आप ऐसी 2 लाइंस बनी हुई होती हैं, आपने भी देखा होगा प्रैक्टिकली। तो जब भी क्रॉस चेक का ट्रांजैक्शन होता है, तो ये जो क्रॉस चेकिंग क्यों होता है, क्योंकि क्रॉस चेक करने के कारण ये चेक आपका हमेशा बैंक में ही जाएगा, आप इसको सीधा कैश नहीं कर सकते, इसके कारण जो पैसा मिलेगा वो बैंक के अकाउंट में ही जमा करना होगा। ओके, लेकिन जो बेरर चेक होता है इससे आप सीधा कैश प्राप्त कर सकते हो। बेरर चेक के कारण आप कोई भी लेके जाएगा बेरर चेक बैंक में, तो उसको सीधी कैश मिल जाएगी भले उसका अकाउंट वहां पे हो या ना हो। तो यानी इसका मतलब क्या है, बेरर चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश। बेरर चेक ये कैश के बराबर ही ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग में, और इसीलिए अगर बेरर चेक लिखा है तो इसको कैश ट्रांजेक्शन ही समझना दोस्तों। ये एक हिंट आपको दे रहा हूं मैं, अगर बेरर चेक कहीं पे मेंशन है तो सीधा सीधा इसी कैश ट्रांजेक्शन ही हम समझेंगे, याद रखना, ठीक है। तो अब इसे कैश समझ के एंट्री होगा। 15th को सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किए हैं तो कैश अंदर आएगी या बाहर जाएगी, ऑब्वियस बात है सर, अगर आप कुछ चीज बेचते हो तो आपको कैश तो प्राप्त होगी, और रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो व्हेन कैश कम्स इन इट शुड बी डेबिटेड, तो डेबिट साइड में एंट्री 15th of January टू सेल्स अकाउंट। क्यों मिला है, टू सेल्स अकाउंट मिला है, तो इसलिए बीइंग कैश सेल्स मेड, और अमाउंट आ जाएगा कैश कॉलम के अंडर 10,000 रुपीज। दैट्स इट, ट्रांजेक्शन हो गया दोस्तों। सिर्फ ये चेक वाला फंडा याद रखिएगा हमेशा के लिए, वैसे यहां पे आपका ट्रांजेक्शन 15th January का कंप्लीट हो गया। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। ओके, 20th January, अब ये और इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, पिछले ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, देखना क्या है। 20th January को राकेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट नहीं लिखे यहां पे, क्यों भैया, राकेश ने जो आपको चेक दिया था पिछले ट्रांजेक्शन में, जो हमने यहां पे लिखा है ना, राकेश को हमने गुड्स सेल किए थे,
ये वाले, उससे आपको 10,000 रुपये प्राप्त हुए थे। अब ये जो चेक आपको मिला था उसे हमने कैश की तरह ट्रीट किया था, तो आपने क्या किया, अगले दिन जैसे ये 15 तारीख को था, तो 20 तारीख को आप बैंक गए और वो चेक आपने क्या किया, आपने बैंक वालों को बोल दिया कि भाई इसको हमारे अकाउंट में ही जमा कर दो, हमको इसका कैश नहीं चाहिए, ये हमारे अकाउंट में ही जमा कर दो, इसलिए डिपॉजिटेड इन टू बैंक। तो बैंक में डिपॉजिट हो गया, मतलब क्या, चेक आपके ही पास था, बैंक अकाउंट आपका ही है, तो ये भी तो बन गई ना कॉन्ट्रा एंट्री। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, फिर से बताता हूँ, ये बेरर चेक है, ये जो चेक है ये बेरर चेक है, बेरर चेक का मतलब ये इट इज इक्विवेलेंट टू कैश। तो जब भी कोई चेक बेरर होता है इट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू कैश, तो इसीलिए उसका ट्रांजैक्शन जो है वो हमने यहाँ पर 15 जनवरी का ट्रांजैक्शन वो कैश अकाउंट के अंडर, कैश कॉलम के अंडर इसको रिकॉर्ड किया था। ठीक है, अब हो रहा है ऐसा कि 20 तारीख को हम यही चेक जो है ये बैंक में लेके जा रहे हैं, तो बेरर चेक को बैंक में डिपॉजिट करना मतलब है कि कैश को बैंक में डिपॉजिट करना, इट इज़ वन एंड द सेम। व्हेन इट इज़ वन एंड द सेम तो हम क्या करेंगे, इट शुड बी ट्रीटेड एज इफ यू आर डिपॉजिटिंग बैंक दिस कैश इन बैंक। तो इसलिए इसको हम करेंगे, डेट लिखेंगे, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है दोस्तों, समझना इसको। सो 20th January द कॉन्ट्रा एंट्री वुड बी 20th Jan राकेश चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। वाई टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश बाहर जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है और बैंक इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर इज द रूल, तो इसलिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश प्राप्त, कैश इज गोइंग आउट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो व्हेन कैश इज गोइंग आउट तो कैश विल हैव अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश जब बाहर जाती है तो कैश का क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा दोस्तों। तो इसीलिए इसकी अमाउंट यहाँ पे 10,000 है क्योंकि ये वही चेक है, तो ये 10,000 और ये 10,000 सेम होना चाहिए और क्रेडिट में आ जाएगा कैश इज गोइंग आउट, तो इसलिए 20,000 बाय बैंक अकाउंट, कहाँ जा रहा है आपका ये कैश या ये जो बेरर चेक है कहाँ जा रहा है, बैंक में, तो इसलिए बाय बैंक अकाउंट बीइंग चेक डिपॉजिटेड, और यहाँ पे आ जाता है आपका 10,000 रुपये कैश में ही आएगा। यहाँ पर आपके बैंक में पैसे जमा हुए तो बैंक इज रिसीवर, सो डेबिट, यहाँ पे आपकी कैश इज गोइंग आउट सो इट इज क्रेडिट। फैंटास्टिक। और ये कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होने के कारण हमने लेजर फोलियो में वी हैव रिटन CC एट बोथ द प्लेसेस, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है सो लेजर फोलियो में वी हैव रिटन सी, जैसे हमने पहले भी लिखा था 4th of January का ट्रांजेक्शन में, आप यहां पे देख सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट इज 24th, पेड कैरेज, कैरेज यानी ट्रांसपोर्टेशन आपने पे किया। अब एनीथिंग व्हाट इज पेड और कुछ नहीं लिखा है कि बैंक ने पे किया, तो अज्यूम कि ये कैश में ही पे किया है आपने, तो इसीलिए सीधा कैश ट्रांजेक्शन, पेड यानी कैश इज गोइंग आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे किसके लिए, कैरेज के लिए, तो डेट डालो क्रेडिट साइड में, 24 Jan पेड कैरेज बाय कैरेज अकाउंट बीइंग कैरेज पेड, और अमाउंट लिख दीजिए 300 रुपये। वेरी गुड दोस्तों, इसके बाद का ट्रांजेक्शन है 25th का, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही, पर्सनल यूज मीन्स दे आर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मतलब योर कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो व्हेन यू आर पेइंग इट टू द ओनर्स, जब व्हेन ओनर हिमसेल्फ इज बोरोइंग द मनी, सो दैट इज कॉल्ड एज विड्रॉइंग, दैट इज ड्रॉइंग बेसिकली। तो जब यहाँ पे ड्रॉइंग हो रहा है, व्हेन यू आर ड्रॉइंग द मनी आउट ऑफ योर बिजनेस, व्हाट यू विल टर्म इट, दैट इज, सो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो व्हेन कैश गोज आउट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए क्रेडिट साइड में कैश पुट 25th by drawings account being cash withdrawn for personal use and that is kitna hai amount is 3000 and cash is going out so we have written it in the cash column again, hai na, simple, right, okay. Now last entry of this numerical 30th Jan paid rent by check, acha friends that time we paid carriage, humne carriage pay kiya tha 300 rupees ka, but it was only paid carriage, when it is mentioned paid carriage to it is assumed it is paid in cash, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पेड रेंट बाय चेक, और अगर ये चेक से पे हुआ है तो चेक यानी बैंक पे करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे विल कंसीडर द रूल्स फॉर बैंक, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये सीधा सीधा रूल आपने यहाँ पे याद रखना है, सो बैंक इज द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, अब ये पेमेंट किया है बैंक ने तो यानी बैंक इज द गिवर, सो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो ये बैंक का ट्रांजेक्शन आ जाएगा क्रेडिट साइड में 30th Jan
राइट 30th जैन लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट बीइंग रेंट पेड बाय चेक। नरेशन आपको लिखना है बीइंग रेंट पेड बाय चेक और अमाउंट लिख देंगे 1200 रुपीज। हो गया दोस्तों, ऑल ट्रांजेक्शन आर क्लियर। नाउ द लास्ट पार्ट इज रिमेनिंग, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। इसको बैलेंस नहीं कर पाए दोस्तों अगर हम, तो हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होगा। तो लास्ट 2-3 मिनट का पार्ट बचा है, समझ लीजिए एंड देन विल क्लोज। ओके, अब आपको क्या करना है, जब आपने सभी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कर दी है दोस्तों, तो आपने यहां पर सिर्फ दोनों कैश और बैंक दोनों साइड की कॉलम्स की टोटल कीजिए। ओके, ये दीज आर द एंट्रीज दैट वी हैव मेड अप टिल नाउ। अब हम इन सबकी टोटल्स करेंगे। कैश डेबिट साइड कैश की टोटल आ रही है 70,000 और बैंक की आ रही है 35,000, ठीक है। और क्रेडिट साइड में आ रहा है कैश की टोटल 70,000, बैंक की टोटल ये जो अब यहाँ पे तो कम है 1200 है ना, तो हम क्या करेंगे, वॉट एवर इज ग्रेटर वो दोनों साइड में लिख देंगे। तो ये 35,000 हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आप देखोगे क्रेडिट साइड की टोटल भी 70,000 नहीं है, सो यू हैव टू पुट द बैलेंसिंग फिगर ओवर हियर। तो व्हाट विल डू, मंथ की लास्ट डेट हम यूजुअली वी डू इट, सो 31st जैन यहाँ पे डाला बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन लास्ट एंट्री है, ये बैलेंस हम कैरी करने वाले हैं एंड सिंपली पुट द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या है, यहाँ पे 3700 है और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैसे मिला, 70,000 में से इन सब का टोटल, ये जो सभी नंबर्स है इन सब का टोटल करेंगे, उसको माइनस कर दिया तो हमें मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली यहाँ पे तो सिर्फ 1200 है और हमारा कॉलम का टोटल इज 35,000, सो व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर, 33,800। फैंटास्टिक, परफेक्ट। तो 33,800 ये बन गया आपका बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा मंथ क्लोज हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसके बाद में आपका नया मंथ हमको शुरू करना है। विल हैव टू स्टार्ट द न्यू मंथ एज वेल आफ्टर दिस। सो टू स्टार्ट दैट न्यू मंथ व्हाट वी डू, सो पुट नेक्स्ट डेट, ये जनवरी का था, सो विल हैव 1st फेब, राइट, विल हैव 1st फेब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखना दोस्तों, हियर इट इज बाय बैलेंस कैरीड डाउन, हियर इट वुड बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड पुट द अमाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर है वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 3700 एंड 33,800। फ्रेंड्स दैट्स इट, द न्यूमेरिकल इज कंप्लीट। कैश बुक विथ डबल कॉलम्स, यानी कैश कॉलम और बैंक कॉलम, टू कॉलम कैश बुक, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट और दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, आपको फायदा होगा। ऑलराइट, थैंक यू।